बहुत दिलचस्प बातचीत हमारी हो रही है मेजर रवि के साथ, और उन्होंने उस जिंदगी को जिया है और उसको पर्दे पे फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आपने कही कि हम पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं ताकि मोटिवेट हो, लोग आए, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हॉलीवुड में, वेस्ट में कई बार बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं फिल्म मेकर्स, और उन्होंने सेना की बुराइयों को लेकर भी उतनी ईमानदारी से फिल्में बनाई है ताकि उसका एक संदेश ये भी जाता है कि कोई युवा, जैसे अ फ्यू गुड मैन है, ऐसा नहीं होता कि सब जगह अच्छा ही हो, और खास तौर पर इन दिनों में जिस तरीके से सेना पे उंगली उठी है, आप देखिए कि हमारा चाहे पनडुब्बी के मामले में केस हुआ हो, नेवी का ऑर्डर हुआ है, या अभी ताजा मामला भी हुआ है मेरे, हमारे जो कोस्ट गार्ड के लोशाली जी है उनको साइडलाइन होना पड़ा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें आप एक सैनिक के रूप में, तो क्योंकि आप अपने जज्बे से बंधे हैं, आप कभी नहीं चाहेंगे कि सेना को कोई बुरा बोले, चाहे वह बुरा होता हो, लेकिन एक फिल्म मेकर के रूप में, और जितनी अच्छी फिल्में हॉलीवुड में हमारे यहाँ बहुत बनती है, कमांडोज की कार्रवाई को लेकर दिलचस्पी भी बहुत है युवाओं में। मैं ये भी बताऊं आपको, वेब पे भी हम कमांडो या सैनिक को लेकर कुछ लिखते हैं ना तो बहुत लोग पढ़ते हैं, मैं आपको, ये बहुत दिलचस्प मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि हॉलीवुड में जिस तरह का सिनेमेटाइजेशन होता है, जिस तरह की फाइननेस के साथ वो दिखाते हैं, वहां जो वॉर मूवीज बनती हैं या जो कमांडो मूवीज बनती हैं, उनमें और हमारी मूवीज में टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा, कई बार हम ऑनेस्ट भी नहीं हो पाते सब्जेक्ट के साथ। आपको इसका, इस सवाल नहीं, दिस इज योर स्टेटमेंट एंड आई वांट टू आंसर यू फॉर दिस थिंग। आपने एक फिल्म देखा 9/11 फारेनहाइट, ऑस्कर अवार्ड मिला था, दैट वाज अ डॉक्यूफिक्शन। यस, डॉक्यूफिक्शन, यस, 3 आवर्स का फिल्म है वो। यस, उसमें क्या दिखाया? जॉर्ज बुश द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड ओसामा बिन लादेन का बिजनेस डील्स। आपके हिंदुस्तान में एक बिजनेस वाले और पॉलिटिशियन का आप एक बार करके दिखाओ, वो कभी सनलाइट दिखाया? मतलब वही ना, हम, मैं वही वही ऑनेस्टी, जैसे जीरो आवर्स 30 है, कैसे जीरो डॉट 30, जीरो डॉट 30, आई मीन दैट मूवी, इवन दो इट्स अ सिंपल डॉक्यूमेंट्री ऑन हाउ दे किल्ड ओसामा, इट्स ब्यूटीफुल मूवी, इट वाज ग्रिपिंग। देखिए, हम तो वी माइट बी कॉलिंग इट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आर वी स्टिल, वी आर हिपोक्रेट्स, फ्रीडम, वी आर हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स। सो दैट इज द प्लेस वेयर व्हेन आई टेल, व्हेन आई गेट माय प्रोड्यूसर टू डू अ फिल्म, आई शुड मेक श्योर दैट कि ही शुड नॉट कमिट सुसाइड बिकॉज दिस मनी इज ब्लॉक्ड आउट हियर। फिल्म के लिए कौन आता है? पैशन फिल्म मेकर्स आता है, कुछ लोग होते हैं एरे गेरे आके, उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उस जैसे लोगों को मैं, उनके साथ तो मैं फिल्म नहीं करता हूँ। मैं जो करता हूँ, जिस आदमी मेरे साथ करें, बट बाय मिस्टेक समटाइम्स यू लैंड अप विद समबडी लाइक दैट, ये हो जाता है, ये एक बार हुआ था मेरे साथ, बट आइंदा तो नहीं होगा, वो उस जैसे प्रोड्यूसर्स को तो मैं नसीब आना नहीं देगा, वो एक ही बार हुआ है। बाकी लोग जो है वो पैशन है, उनके लिए फिल्म बनाए, उनको सेंसर करके पब्लिक में हिट कराना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट उसने जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो वापस मिले, नहीं है वो जाके सुसाइड करें तो द होल लाइफ आई विल नॉट बी एबल टू मेक ए फिल्म। एग्री, एज अ फिल्म मेकर यू आर सपोज, अभी आप आपको एक और चीज बताऊं जी, इधर एक फौज के बारे में एक फिल्म बनाने के लिए वो परमिशन मिलने के लिए कितनी टेबल्स है। एनी वे दिस टाइम मैं तो अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब से, परी के साहब से मिलने जा रहा हूँ, ओके, बिकॉज एक फौजी फिल्म बनाने के लिए इतने सारे विंडोज है वहां। अमेरिका में एक फौजी फिल्म बनाने के लिए एक ही विंडो है, सिंगल विंडो, वहीं से स्क्रिप्ट दे दो, उन्होंने पैसा बता देगा कितना है, वो पैसा वहीं पे जमा हो गया। यहाँ आप पैसे का अप्रूवल के लिए 3 अंडर सेक्रेटरीज को मिलना है, वो कहीं कहीं जगह पे होगा, ये फाइल घूमते घूमते आपके पास आने के लिए 120 डेज लेता है, उसके बीच में जो डेस्क में जो बैठा हुआ है वो बंदा छुट्टी चला गया, जब तक वो नहीं आएगा दूसरा आदमी फाइल नहीं छोड़ेगा। व्हाट इज दिस? ये सर अभी मैंने डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट मैंने आई एम गोइंग टू फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विद परिकर सर। हाउ डू यू फाइंड मिस्टर परिकर? एज ए, आई मीन ही हैज क्लेम्ड अ लॉट ऑफ फेम बिकॉज़ ऑफ हिज वर्क एट गोवा, एंड उनमें जो भी उन्होंने जो बोला है अभी तक का जो है, आई एम फाइंडिंग इट ही हैज गॉट दैट पेट्रियोटिक स्पिरिट इन दैट। ओके, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट थिंग, व्हाई? बिकॉज़ दैट इज व्हाई आई वांट टू पर्सनली गो एंड टेल इन दैट कि सर आई फेस दिस प्रॉब्लम, व्हेन आई वांट टू जनरेट पेट्रियोटिज्म एंड टू टेल द पब्लिक दैट कि व्हाट द फौजीज आर गोइंग थ्रू एंड एवरीथिंग, आई एम फाइंडिंग द प्रॉब्लम आउट हियर, मेरा फाइल नहीं आगे बढ़ता है। वो जिस फाइल को सर्टेन पीपल डोंट इवन नो दैट, देन वो पढ़ाई कर रहा है फाइल को रखे, और मेरे को जो सीजन अभी पिछले फिल्म जो है
It was a season based. Snowfall ka time pe I have to shoot it. Yes. And the file gets stuck, getting stuck. Snow तो मेरे को जाएगा, एक साल निकल जाएगा. So ये सब चीज जो अभी मैं परिकर साहब से जानना. तो मेरे जैसे फिल्म प्रेमियों के लिए जो फिल्में बहुत देखते हैं और जिनको लगता है कि हिंदी सिनेमा में उस तरह की उत्कृष्टता जो हॉलीवुड फिल्मों में दिखती है, उस तरह का भव्य चित्रांकन जो हॉलीवुड की सिनेमा में दिखता है, वो क्यों नहीं नजर आता, उसके कई कारण हमें आज मेजर रवि से जानने को मिले. बहुत अफसोसजनक पहलू ये है कि इन सारी की जड़ें जाके हमारे यहाँ की अफसरशाही में और हमारे यहाँ की राजनीति में मिलती हैं. मुझे लगता है कि उस स्तर पर तो वैसे भी बहुत सारा काम देश में होना है. बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हो रही है. एक चंद सवाल आपसे बस और पूछना चाहता हूँ कि आपका ये जो ऑपरेशन था कमांडो वाला, राजीव गांधी के हथियारों को पकड़ने का, ये तो बहुत चर्चित हुआ, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में और भी कई कमांडो ऑपरेशन किए हैं, क्या उस पर कोई फिल्म बनाएंगे या उसका कोई दिलचस्प वाकया है? मेरा कीर्ति चक्र में रही, कीर्ति चक्र में भी. हाँ, बिकॉज उसी में था जब 6 लोगों को मार दिया था और उधर ही उस कश्मीर वाला जो हिसाब है, उधर ही जो एक्चुअली वो लेडी जिनने जो स्टोरी नरेट किया था उसका ऊपर, प्लस उसी ऑपरेशन को मेरे को फर्स्ट सेना मेडल मिला था, प्रेसिडेंट के गैलरी मेडल मिला था. yes. तो मैंने हर चीज जो है मैक्सिमम उसको वो फिल्म कर लिया. सेकंड मिशन 9 कर लिया. थर्ड जो आई वाज पोस्टेड इन कारगिल. कारगिल में पोस्टेड था जब रिटायर होने के बाद में नेक्स्ट ईयर द वॉर स्टार्टेड. ओके. तो आपको अनुभव है वहाँ, अनुभव है उधर के युद्ध, लेकिन आप उस वक्त नहीं थे, लेकिन आपको पता है टोलोलिन क्या है और हाउ दे वर गोइंग थ्रू. आई नो दैट. सो अनुभव प्लस एक विदाउट यूनिफॉर्म एक फिल्म किया था, दैट वाज कर्मयोद्धा वाज आई वाज सीइंग द सोसाइटी. ये मोबाइल फोन रखे 12-13 साल के लड़कियों का हाथ में ये मोबाइल फोन पेरेंट्स थमा देता है. okay. और कहता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके सेफ्टी के लिए. ठीक है, अरे वापस आने के बाद में ये तो चेक कर कितने कॉल किया हुआ है, कितना पैसा इसका खर्च हुआ है, कितना टाइम इसने नेट पे बैठा हुआ, इंटरनेट चलाया, कितना पेरेंट्स देखते हैं, नहीं देखते है. एंड वी कैनॉट पुट द ब्लेम ऑन टू दिस. ये 12-13 साल के लड़कियों में या लड़कों में दे आर इन दैट कंफ्यूज स्टेट. एनीबडी कैन पुट, किसी को भी किसी भी मोड पे इनको लेके जा सकता है. एंड हाउ द गर्ल्स फॉल इन द प्रे, आई मीन प्रे ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स. How they get kidnapped, how they get, they are used with the blackmailing, trafficking and everything, and parents doesn't even know that. तो एक सैनिक को सैन्य के विषयों के अलावा सामाजिक बुराइयों पे भी फिल्म बनाने का फिल्म, और ऐसी जैसे प्रहार एक बहुत अच्छी फिल्म थी जिसमें एक कमांडो है, वो जब सामाजिक जीवन में आता है और गुंडागर्दी देखता है, बदमाशी देखता है, तो उसके अंदर का सैनिक उससे भी लड़ने के लिए, क्योंकि वो उसके अंदर एक योद्धा है जो न केवल अपने विरोधी से बल्कि बुराई से भी लड़ना जानता है, सीखा है, उसकी ट्रेनिंग है. मेजर रवि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपका कोई अगला प्रोजेक्ट, कोई फिल्म जो आ रही हो या इसके बारे में कुछ बताना? अभी जो फिल्म प्रोजेक्ट मैंने किया है पिकेट 43 जो पृथ्वीराज को रखने जो किया था, पृथ्वीराज और जावेद जाफरी एक इंडियन सोल्जर और पाकिस्तानी सोल्जर. आप जो मेरा प्रीवियस फिल्म से हटके है, वाई बिकॉज हर फिल्म में टेररिज्म वो ये सब कुछ है. इसमें यह था कि दो सोल्जर्स, एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी, 8 महीना एक बाबड़ वायर का उस साइड और उस पार और इस पार बैठ के जब जिंदगी बिताता है, हाउ टू ह्यूमन बींग्स बिकम फ्रेंड्स. उसके बाद में उनकी जो ऐसा गहरा दोस्ती हो जाता है, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है. आपने सैनिकों की वीरजारा बना दी. वीरजारा का मतलब वो दोनों का, आपने सैनिकों की वीरजारा बना दी. दैट इज व्हाट हैपेंस. उसमें जो इट बिगेन अ ह्यूज हिट एंड नाउ दिस 50th डे इज गोइंग ऑन. यस. व्हाई? बिकॉज़ लास्ट 40 मिनट्स पब्लिक सैट एंड वॉच्ड विदाउट एनी साउंड. व्हाई? बिकॉज़ दिस इंडियन सोल्जर वाज स्ट्रगलिंग टू सेव द पाकिस्तानी सोल्जर, एंड एट वन पॉइंट I just gave a news as if the Pakistani is dead. You could have heard the sound of the theater. Oof, no. So they were feeling bad about one Pakistani getting... Yes, that is what. So if a film can create that kind of an... Bondage. Yes. Why not to make these kind of films? Very good. Because now I made it in Malayalam. I want to make it in all over Indian side. Also, let this political side and all this thing keep aside. We as Indian citizens, we got the responsibility to build the nation. Yes. So that time, we have to do these kind of thoughts. Teach your children, jaat bhed nahi hai. We are only one, Indians. That is what Major Ravi always want to say, that we are just Indians. You might call me because my name is Major Ravi and I am a Hindu. It doesn't mean that I believe in only Hinduism
we don't interfere in any religions. Let them, but have and show one spirit. We are one and we are Indians. Jai. थैंक यू सो मच. ये थे मेजर रवि. बहुत दिलचस्प बातचीत हुई इनके साथ, बचपन की यादों से लेके कैसे ये फिल्म के क्षेत्र में आए, और हमने देखा कि कैसे एक सैनिक के मन में केवल हिंदुस्तान जीता है, हिंदुस्तान धड़कता है. मुझे लगता है कि जिस तरह बहुत सारी जगहों पर सैन्य शिक्षा को अनिवार्य किया गया है सिविल लाइफ जीने से पहले, शायद हिंदुस्तान में हम वो सैन्य शिक्षा सबको दें तो इसी तरह हम हिंदुस्तान को एक बेहतर देश बना पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद मेजर.